जनता को प्रणाम करता हूं। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। ऐसा प्यार दिया है कि मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। बस जब तक जीऊंगा अपनी जनता की सेवा दिन और रात जी और जान से करूंगा। ये प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है और कार्यकर्ताओं का असीम परिश्रम है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करता हूं, जनता को प्रणाम करता हूं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाए इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। एक बड़ी जीत है आपकी मत पर देखा कांग्रेस और बीजेपी के जो आमने सामने मुकाबला। और दूसरी बात, आपने ये कहा था कि 29 की 29 कमलों का हार मोदी जी को सौंपेंगे, तो 29 की 29 सीटें बीजेपी जनता के, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है, लेकिन लगातार तीसरी बार एनडीए 300 के पार जा रहा है। ये जनता की जो श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जनता का विश्वास मोदी जी में है और ये उसी विश्वास को जनता ने प्रकट किया है। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने से लेके विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है। और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूँ, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ और जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को दिया है। सर, छिंदवाड़ा एक लौती सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास थी, इसको लेकर 2019 में भी आप पछता रहे थे कि वो चीज अगर टिकट हमसे दिया तो 29 की 29 जीते, लेकिन वो बात जो थी आपकी आज साबित फिर हो। पिछली बार कांग्रेस 38,000 वोटों से जीत गई थी, लेकिन इस बार जनता ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया और मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास प्रकट किया है।